हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोरे एंड वेलकम बैक टू द बायो कट्टा। सो फाइनली परसों ही जो है वो सीबीएसई टर्म 2 की जो है वो डेट्स अनाउंस हो चुकी है एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो एग्जाम है उसकी भी जो है वो डेट्स अनाउंस हो चुकी है। दोनों बोर्ड की एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही होने वाली है एंड इस बार जो है वो थ्योरी पेपर भी है, सिर्फ एमसीक्यू भी नहीं देना है आपको। एंड जितना मैं जानता हूँ कि जो नीट एस्पायरेंट होता है, जो एक सच्चा नीट एस्पायरेंट होता है, वो जो है वो 2 साल तक सिर्फ एमसीक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस करता है। और अभी जब बोर्ड पास में आ जाते हैं तो उसका दिल थोड़ा सा डर जाता है, वो बोलता है कि भैया अब क्या करें, हमने तो सिर्फ एमसीक्यू किया है, अब हम जो है वो कैसे लिखेंगे इतने बड़े बड़े आंसर 4 मार्क से, 5 मार्क के, 6 मार्क से। तो फिकर नॉट भैया, भैया है ना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट द नीट एंड ऑल यूर एग्जाम्स एंड टॉप बायोलॉजी कंटेंट, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले मोस्टली कि एक बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, लास्ट के जो 15-20 दिन होते हैं उसमें एक क्या तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से तुमने जो है पढ़ना है एंड किस तरीके से तुम कम स्टडी करके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, इन सब के बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखो अभी एग्जाम के लिए तुम्हारे पास बच्चे हैं, सपोज अपन एज्यूम करके चलते हैं कि 15 दिन बच्चे हैं या फिर 20 दिन बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, गड़बड़ी नहीं करनी, एंजाइटी में नहीं रहना है, ठीक है। एकदम राइट माइंड सेट के साथ जो है तुमको पढ़ना जो है वो क्या करना है, चालू करना है। तुम्हारा माइंड सेट जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एकदम राइट माइंड सेट जो है वो होना चाहिए। बट वॉट इज दिस राइट माइंड सेट नाउ, ये राइट माइंड सेट क्या होता है? तो सिंपल सी चीज है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो वो तुमको आने ही वाला है बोर्ड में, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या डर लगता है कि मैं अभी पढ़ लूंगा, इतना सारा पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं कि मुझे याद रहने वाला है कि नहीं, एग्जाम के जाने के बाद मुझे याद आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो फिकर नॉट बच्चा, याद आ जाता है, ठीक है। हमको लगता है कि याद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सही में बताऊं तो याद आ जाता है। मेरे को भी ऐसा ही लगता था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं इतना बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ थ्योरी रट्टा, मेरे को वहाँ पे याद आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो याद आता है, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट होना है एंड तुमको मालूम होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, ठीक है, 15-20 दिन बचे हैं तो तुमको पूरा बुक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमको बोर्ड में टॉप करके कुछ नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है। तुमको जो है बस क्या करना है, फोकस करना है लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे तुम्हारे, उसके ऊपर तुमको जो है वो फोकस करना है। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर फोकस करो कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है, कौन से टाइप, कौन सा कंसेप्ट सबसे ज्यादा बार अलग अलग क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उसके ऊपर ध्यान दो, वो करो। सब कुछ तो होने वाला नहीं है 15-20 दिनों में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन करो जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं एंड उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस पेपर का ऑब्जर्व करो एंड वही करो। अभी इसमें और भी एक चीज है, क्या और एक चीज है कि भैया डिलीटेड सिलेबस है तो भैया डिलीटेड सिलेबस ही करो। डिलीट अब इसमें ये भी कर सकते हो तुम कि लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, डिलीटेड सिलेबस देखो, ठीक है, जो आने वाला है लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में जो रिपीट हुआ है वही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखो, डेटेड सिलेबस देखो, ऑब्जर्व करो सबसे क्वेश्चंस कौन से ज्यादा बार आया है, वो क्वेश्चंस एक बार निकाल लो, चैप्टर वाइज निकाल लो, सारे चैप्टर्स के निकाल लो और एक साथ जो है वो पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। एंड देखो बोर्ड में अगर तुमको आता भी कम है ना, तो देखो बोर्ड का पेपर जो चेक करने वाले होते हैं उनके पास ज्यादा समय नहीं होता चेक करने के लिए, तो वो तुम्हारा लाइन टू लाइन चेक नहीं करते। तो जितना बढ़िया पेपर प्रेजेंटेशन होगा तुम्हारा उतने ज्यादा तुमको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना, आइडियल आंसर पैटर्न जो होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, विद द हेल्प ऑफ जो है वो ट्री डायग्राम्स, जितना आप इजी करके दोगे ना, जितना आपका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा होगा उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपको कम आता हो, आंसर आधा ही आता हो या पूरा आता भी नहीं हो, जितना ज्यादा प्रेजेंट करके दोगे, ठीक है, तो वही जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, पॉइंट के हिसाब से लिखोगे, तो आपको जो है वो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइडियल आंसर पैटर्न जो है वो देखो कि बोर्ड में आइडियल किसी क्वेश्चन का क्या आंसर पैटर्न होता है। डायग्राम्स निकालो जहां पे डायग्राम जरूरी है, डायग्राम्स निकालोगे तो उसी डायग्राम को नीचे तुमको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है, तो जिसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, डोंट बी मिट्टू, ठीक है, समझ के ले लो, कंसेप्ट समझ लो, बस तुमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कोई बड़ा क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क्स वाला और उसमें डायग्राम्स का रिलेटेड कुछ है, तो डायग्राम उसकी लर्न कर लो और उसी डायग्राम को एक्सप्लेन करो,
सिंपल ट्रिक्स आत्मा, ठीक है, तो डोंट बी मिट्टू, रट्टा मारना नहीं है दिन रात, रट्टा मारने से भूल जाओगे, ठीक है, आज रखो, आज याद रहेगा कल भूल जाओगे, तो ये चीज नहीं रखनी, डोंट बी मिट्टू, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, कैसे पढ़ाई करो, ठीक है। अब अगर मैं आऊं, ठीक है, अगर मैं आपके पास आऊं, अगर मैं बोलूं कि अब पढ़ना कैसे चाहिए, ठीक है, कि मतलब एक क्या पैटर्न रहना चाहिए कि तुमने पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहली चीज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखो चैप्टर वाइज, कि बोर्ड में अब तक जो आया है ना, कि हर एक चैप्टर, हर एक जो यूनिट है वो किसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे मैक्सिमम मार्क्स के लिए कौन से टॉपिक्स है, कौन से यूनिट है सबसे मैक्सिमम मार्क्स के लिए, तो वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख के उसके हिसाब से जो है वो पढ़ाई करो, वो यूनिट सबसे पहले, जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट करो सबसे पहले, बाद में जो है वो बाकी के करो, तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक लिस्ट बना लो अपनी और उसी हिसाब से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। सेकेंड चीज तुमको क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर के साथ जाना है सबसे पहले, गो विद द हाई वेटेज चैप्टर्स सबसे पहले, ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर के साथ जाना है, ओके, हाई वेटेज चैप्टर के साथ जाना है। देन उसके बाद क्या करना है तुमको, अभी बच्चे क्या करते हैं ना, मोस्टली जब पढ़ते हैं, जब लास्ट के 15-20 दिन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो चैप्टर पढ़ते हैं कि मैं ये 15 चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, तो मैं 3 ही करूंगा, या फिर मैं 2 ही करूंगा, या फिर मैं 1 ही करूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, 15-2 करना है, या 1 करना है, या 3 करना है, नहीं ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि जो चैप्टर्स तुम पढ़ते नहीं हो उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो पहले ही भंग करके जो है वो गायब हो जाता है, तो ऐसा करना नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा जो है वो ओवरऑल करो, क्वेश्चन वाइज स्टडी करो, क्वेश्चन वाइज स्टडी मतलब अगर तुम देखोगे नवनीत के कुछ बुक्स आते हैं, अपेक्षित टारगेट के पब्लिकेशन के आते हैं, ओसवाल के भी, सीबीएसई के आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब तुम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे चैप्टर के लॉन्ग आंसर कर दो, ठीक है, जब तुम शॉर्ट आंसर कर रहे हो तो शॉर्ट आंसर करो। अभी इसमें मैं बताता हूं तुमको करना क्या है, सिंपल सी चीज, सबसे पहले जब तुम कर रहे हो तो एक तो सारे चैप्टर्स का करना है, हाई वेटेज से लो वेटेज करना है, ठीक है, स्टार्ट विद द जो 3 से 5 मार्क के क्वेश्चन है ना वो करो सबसे पहले, 3 से 5 मार्क के जो क्वेश्चन है वो करो सबसे पहले, ठीक है। अगर अभी ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग आंसर होते हैं, तो जब तुम लॉन्ग आंसर करते हो ना तो उसमें जो है वो बहुत सारे शॉर्ट वाले जो है वो कवर हो जाते हैं, बहुत सारे शॉर्ट वाले, वो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती तुमको, तो स्टार्ट विद द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग आंसर करो सारे चैप्टर्स के, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के उसके पहले, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बाद में, जब ऐसा करोगे ना तो उसमें तुम्हारे बहुत सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स के करो 3 से 5 मार्क वाले पहले, बड़े बड़े क्वेश्चन करो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, फिर जो है वो 2-3 मार्क वाले उसके ऊपर सिर्फ ओवरलुक करना है, ठीक है, उसको ज्यादा अच्छे से नहीं करना है, उसको सिर्फ ओवरलुक करना है। अगर वो इसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, तो भैया फिर तो क्या, फिर सिर्फ ओवरलुक करना है, सो नेक्स्ट 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। और फिर लास्ट में जिसमें तुमको सबसे ज्यादा रिवीजन देनी है, जिसमें तुमको थोड़ा ज्यादा 2-3-4 उसको रिवाइज करना, दैट इज द, एक तो एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर के नीचे, एनसीईआरटी के नीचे या फिर स्टेट बोर्ड के नीचे जो एमसीक्यूज है, उसके एमसीक्यूज करने तुमको, नहीं तो सबसे पहले क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज तुमको, ठीक है, मैच द पेयर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको तुमको 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, एग्जाम के पहले भी इनका ही रिवीजन करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और इसको अगर फॉलो करोगे ना तो मुझे लगता है तुमको जो है वो कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, एंड मैं देखूंगा कि मैं तुमको जो है वो सीबीएसई के लिए अलग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ सकते हैं वो दू, एंड बोर्ड के लिए भी जो है मैं जो है अपलोड कर दूंगा मेरी वेबसाइट पे, डेट इज www.shubhammule.com पे जो है मैं अपलोड कर दूंगा, एंड जैसे अपलोड कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। एंड उससे पहले अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो गाइज मेरी जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो रिवाइवल टेस्ट सीरीज जो है वो आ रही है, ठीक है, 16th February को, इसमें जो टॉप 10 होंगे उनको जो है वो क्या मिलने वाला है, उनको जो है प्राइज मिलने वाला है मेरी तरफ से, ठीक है, फर्स्ट को स्टेथोस्कोप एंड बाकी 2-9 वाले को जो है वो अमेज़न वाउचर्स मिलने वाले, ये सिलेबस है इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एंड दोपहर को 2 बजे होने वाला है, फ्री टेस्ट सीरीज है, कोई भी दे सकता है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाके एनरोल कर लो, अभी अभी वो दिखेगा नहीं तुमको,
बाद में आने वाला है वो 15 को दिखेगा, शो हो जाएगा, अभी दिखेगा नहीं, अभी दो ही टेस्ट दिखेगा जो इसके पहले हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ इनरोल करके रखो, शुभम मोड़े 88 कोड यूज कर सकते हो आप जो है वो, अगर आप पहली बार ऐप जो है वो डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी कर लेना। और उसके बाद 28 फरवरी को भी जो है वो एग्जाम है, 28 फरवरी का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, सिमिलर पैटर्न है, तो इसमें भी आप जो है वो इनरोल कर सकते हो। मतलब इसके साथ साथ, बोर्ड के साथ साथ अगर आपको थोड़ा नीट का भी प्रैक्टिस करना है तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ ही में अनअकैडमी पे ये ऑफर चल रहा है, आज के दिन ही ये ऑफर है, तो इसमें भी आप जो है इनरोल कर सकते हो। एंड यू कैन यूज माय कोड शुभम मोड़े 88 फॉर द 10% डिस्काउंट, ठीक है। एंड जाते जाते मैं ये बोलूंगा कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और नीट के साथ साथ जो है आपको बोर्ड करना इम्पॉसिबल लगता है, तो आपको सिंपल सी चीज़ है, देखो अभी तक आपने नीट किया होगा, अभी आपको सोचना है कि आप नीट के लिए पढ़ रहे हो लेकिन आप थ्योरी का रिविजन ज़्यादा कर रहे हो, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ो लेकिन थ्योरी का रिवीजन जो है ज्यादा कर रहे हो ऐसा समझो। मतलब जब आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें नीट के भी पॉइंट आते हैं ना, तो देखिए क्लास 12 का नीट का तो आता ही है, तो वो भी जो है वो हाईलाइट करते चले जाओ, हो जाता है बेटा, ऐसा जरूरत नहीं कि नीट का ये अलग है बोर्ड का अलग, सिलेबस तो सेम है ना तुम्हारा, तो उसमें ही नीट के पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट कुछ आ रहे हैं तो वो भी उसी के साथ जो है क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि तुम सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या फिर नीट के लिए पढ़ रहे हो, दोनों नीट की में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो एक ख्याल है ना ये अपने दिमाग में रखो, ये ख्याल अगर दिमाग में रखोगे तो जो है वो तुम्हारा नीट का भी प्रिपरेशन जो है वो काफी अच्छे से हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैं आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। एंड जल्दी अपने 4000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।